अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं पूरी बना रही हूँ। पूरी बनाते बनाते मुझे एक पूरी के मुताल्लिक ही कहानी याद आ रही है। आप सब सुनना चाहेंगे? ये इस कहानी तो सबको पसंद होती है, तो मैं आपको आज पूरी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का नाम था गुड़िया। मनसा के पास पैसे रुपये बहुत थे, लेकिन उसके घर में काम करने वाले आदमी कम थे। दूसरों से मजदूरी पर काम उसको हमेशा लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था, यानी कि बारिश होने वाली थी। मनसा को लग रहा था कि बारिश हो जाएंगी तो उसकी जो गेहूं की फसल है वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि उसके बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सभी किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहुत चाहा कि कोई उसको मजदूर मिल जाए, लेकिन उसको मजदूर मिल नहीं रहा था। मनसा ने एक दिन मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया और घर में आकर बीवी से कहने लगा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियां खिलाना। जैसे हम आज पूरी बना रहे हैं, वैसे ही मनसा ने अपनी बीवी से कहा दोपहर को उनको पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे के करीब बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्धू जाने कहां से आ गया। नाक से बराबर सुड़ सुड़ करता जा रहा था। बद्धू की मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और उसकी नाक पोंछी। कढ़ाई में जैसे जो पूरी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बद्धू की मां ने उसका जरा ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूद कर भाग खड़ी हुई कि तुम बद्धू की नाक पोछो, मैं तो जाती हूँ। पूरी, आप सब सोच रहे होंगे पूरी कैसे कढ़ाई से निकल के भागेंगी। तो आज की हमारी कहानी का उनवान यही था कि पूरी कढ़ाई से निकल कर भागी। तो इसी तरह ये जो है एक मजाहिया कहानी है। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। बद्धू की मां ने बहुत चाहा कि इसे पकड़े, मगर वो हाथ कहाँ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकाई पूरी यूं भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो उनके हाथ ना आई। खेत से निकल पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से इसका पीछा किया। भी पूरी एक भट में घुस गई। भट यानी एक खड्डा होता है, उसमें घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, भी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। पूरी लोमड़ी को कहती है कि मैं तुम्हारे भी हाथ आने वाली नहीं हूँ, और ऐसा बोलते ही वो आगे और भागती है। फिर आगे क्या होता है? लोमड़ी उससे बोलती है, ठहर तो, तेरी सीखी का मजा तुझे सिखाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और इसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। पूरी ने कहा, अजीब ही लप लप, मैं तुम्हारी भी बस की नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे उसने मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बीपुरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीब ही लप लप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हप, और आधी पूरी उसके मुंह में चली गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र
उस आधी पूरी को ढूंढा मगर वो उनको ना मिले। अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। है ना बहुत अमेजिंग सी कहानी। तो कैसी लगी आपको पूरी की कहानी? आपको समझ आया कि पूरी कैसे निकलकर कढ़ाई से भागी, फिर उसको कौन कौन मिला और वो किसी के भी हाथ ना आते हुए एक कुटिया के हाथ आ गई और उसके मुंह में आधी चली गई। लेकिन आधी पूरी जो अभी तक कहीं ना कहीं गुम है और उसको कुटिया के बच्चे और कुटिया ढूंढ रहे हैं। तो यही थी हमारी पूरी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मजा आऊंगा ये कहानी सुनकर।